सो इट्स बिन अ वाइल सिंस आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन टू व्हीलर्स. तो आज थोड़ी गर्मी कम है बिकॉज इट्स बिन रेनिंग फॉर टू डेज. सो आई फाइनली डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टी वी एस जुपिटर. आज हम टायर चेंज करने वाले हैं इसके, तो इसमें टलते हैं 12 इंच के टायर्स. तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको टायर चेंज करते टाइम ध्यान में रखनी होती है, ठीक है ना. तो आई विल गिव यू अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन एंड प्रोसेस कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इस पे टायर्स रिप्लेस करने हैं. तो अभी बाइक के भी मैंने टायर्स चेंज करने हैं, स्कूटर के भी. तो इसमें डलते हैं 12 इंच के टायर्स और बाइक में डलते हैं 17 इंच के, ठीक है. तो अभी क्या है कि मैकेनिक्स क्या करते हैं कि सीधा टायर चेंज कर देते हैं एंड दैट्स इट. तो टायर चेंज करने के साथ साथ क्या हमको और एक प्रोसेस जो है करनी होती है, तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये अपने पास टी वी एस जुपिटर. अभी मैं क्या है इसकी रिसेंटली सर्विस करके हटाऊँ सारा इसका. मैंने इंजन ऑयल वगैरह जो भी है, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, यूरो 3 का फिल्टर, सब कुछ मैंने चेंज कर दिया इसका. बट मेरी एक प्रोसेस रहती है, एक ना फ्लो चार्ट की, मैं क्या करता हूँ बम्पर टू बम्पर एग्जामिन करता हूँ. तो चेक किया जब मैंने इसके टायर्स में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं, ये चारों तरफ से लीक हो रहे हैं. तो इट वॉज टाइम. इसमें जो टायर साइज स्टॉक जो कंपनी डाल के देती है वो है 90 12 इंच. अब 90 क्या है, ये 90 है, ये क्रॉस सेक्शन है, विड्थ है. और ये 90 ये एस्पेक्ट रेशियो, ये जो एस्पेक्ट रेशियो होती है ना साइड वॉल्स की, 12 इंच दैट मीन्स डायामीटर. तो अभी मैं टायर्स लेके आया हूँ, दिखा दूँ आपको. मैं लेके आया हूँ मिशेलिन के टायर्स. ये फ्रंट 120. अभी आई एम नॉट श्योर कि ये डलेगा भी कि नहीं, बट आई विल ट्राई. 120/70 12 इंच एंड इट्स मेड फॉर फ्रंट. ये रहा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है इट्स मेड फॉर फ्रंट. और फ्रंट का साइज है हमारे पास 120/70. और ये है रियर. रियर हम डालेंगे इसमें 130/70. और ये इट्स मेड फॉर रियर. तो अभी मैं बाइक्स के भी मैंने चेंज करवा लिए ऑलरेडी, बट थोड़ी ये जो टायर है ना मिशेलिन पायलट पावर, अभी क्या हमारा शायद हिमाचल जाने का प्लान बन रहा है, तो ये टायर नहीं चलेगा बिकॉज हिमाचल में आपको पता है कि सड़कें बहुत ख़राब रहती हैं, तो ये ऑफ रोडिंग में नहीं चलेगा. तो मैं मिशेलिन पायलट रोड 4 डालूंगा इसमें. ये तो रियर मैंने डलवा लिया, ये है 120/70. स्टॉक साइज जो आता है इसमें 110 नंबर आता है, बट हम 120 नंबर डालने वाले हैं इसमें. तो अभी ये जो पायलट पावर है ये भी 120 डला हुआ है. और परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं है, कईयों को थोड़ा वहम रहता है कि यार मोटा टायर डलवा के कुछ इश्यू ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं इसमें पायलट रोड 4 डालने वाला हूँ. रियर मैंने डाल लिया इसमें ऑलरेडी कॉन्टिनेंटल का. ये है कॉन्टी अटैक 2 और इसका क्रॉस सेक्शन है 170. ये दिखा देता हूँ आपको मैं, 170/60 17 इंच. तो ये ऑलरेडी मैं फिट करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ी ऑफ रोडिंग होने वाली है, हम हिमाचल जाना है हमें, तो ये सूटेबल रहेगा थोड़ा सा. तो लेट्स गेट बैक टू द स्कूटर. अभी क्या है, हमको पहले ये एक्सल लूज करना है इसका. नहीं सॉरी, सबसे पहले हमको इसका ब्रेक है ना, जो ये ब्रेक, ये डिसएंगेज करना है बोथ रियर एंड फ्रंट, ये जो है. और कुछ एक प्रोसेस होती है. अभी मैं क्या है ना, इसका ब्रेक पैड्स भी साथ में लेके आया हूँ, ये ओरिजिनल जेनुइन टीवीएस के, बोथ फ्रंट एंड रियर. तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है टायर चेंज करते टाइम, जैसे कि आपका जो ड्रम होता है ना, कभी कभी वो भी अंदर से सरफेस है जो रफ़ हो जाता है इसका, तो वो भी मैं अभी खोलने के बाद देखूंगा कि ज़रूरत है उसको रिसर्फिसिंग करवाने की कि ये नहीं. एंड ये नोज़ल भी बदल दो यार, 10-12 रुपये की चीज़ होती है, कभी कभी ये क्या है ना टाइम के साथ साथ हार्ड हो जाती है, तो इसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं. टायर की अभी लाइफ थी बट इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप, चारों तरफ से लीक मार रहा है ये. एंड रियर टायर की भी यही कहानी है, हर 2 दिन बाद इसमें हवा भरनी पड़ रही है, ये देख सकते हो आप, गंदे वाले क्रैक्स आ गए हैं. तो थोड़ा रिस्क भी रहता है. तो इसके साथ साथ हम देखेंगे ब्रेक पैड्स और ड्रम्स की भी कंडीशन देखेंगे कि ड्रम्स की रिसर्फिसिंग करवाने की ज़रूरत है या नहीं, और इसकी नोजल्स और टायर्स, ये सारी चीज़ें हैंड टू हैंड होती हैं. बिकॉज यार अभी खोला है तो अभी मैकेनिक्स को बोलो कि सब कुछ एग्जामिन करो. सेम गोज फॉर द बाइक. बाइक के भी आपको ध्यान से देखना है डिस्क पे हाथ लगा के कि कहीं इस पे
ये अभी मार्क्स आपको दिख रहे हैं, बट नथिंग टू वरी अबाउट, इसकी रिसर्फेसिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे उंगली चला के देखना है, अगर आपको फील हो रहा है कुछ वॉपिंग, देन यू गना हैव टू वरी अबाउट। और इसके व्हील बेयरिंग्स चेक करो आप अच्छे से, ठीक है। इसके आप ब्रेक पैड्स देख सकते हो, अभी है लाइफ इन में, चल जाएंगे ये 10-12 हज़ार किलोमीटर, बोथ रियर एंड फ्रंट। अभी ये भी सही है फ्रंट के भी, तो सारी चीज़ें आपको एग्जामिन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टायर बदल दिया और हो गया बस। एक्सल आपको चेक करना है कि कहीं बेंड तो नहीं है, बिकॉज के टी एम्स में प्रॉब्लम आती है। ये क्या है ना, चलते चलते जब पॉट होल्स में गिरता है तो ये बेंड हो जाता है, तो इसको डाल के ना आप लेथ मशीन पे चेक करो कि ये कहीं बेंड तो नहीं हो रखा। तो लेट्स गेट बैक टू द स्कूटर। सबसे पहले हम करेंगे इसका ये जो ब्रेक है ना, इसको हम डिसएंगेज करेंगे। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, दैट्स इट, एंड पुल इट बैक। एंड सेम अप्लाइज टू द रियर, ये भी आपने काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है इसको पकड़ के। देयर वी गो, और इसको खींच के आप निकाल दो, एंड दैट्स इट। और अभी ये पाना लगेगा इस इधर 22 नंबर का, आपको एक हैमर भी चाहिए साथ में थोड़ी हिट करने के लिए इसको, बिकॉज वरना टायर ये फ्रीली स्पिन होता रहता है। और फ्रंट के लिए चाहिए आपको इधर लगेगा 17 mm एंड इधर लगेगा 14 mm। तो अभी करते हैं इसको, खोलते हैं। आपको ये 14 mm का जो स्पैनर है ये लगाना है आपको लेफ्ट साइड, और इसको लगाना है राइट साइड, एंड देन यू जस्ट यैक इट अप। देयर वी गो, और ये एक्सल बस ऐसे ही बाहर आ जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। हियर इट इज। और अभी बस कुछ नहीं करना आपको, सीधा टायर निकाल लो बाहर। ये एक स्पेसर होता है इधर दोनों साइडों में, एंड देयर वी गो। अभी ये देख सकते हो आप, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो। इसका करवाना पड़ेगा रिसर्फिसिंग, बिकॉज अगर आप ऐसे उंगली चलाओगे ना, क्लियरली इसके अंदर फील हो रहा है अगर आप ऐसे नाखून चलाओगे ना। सो इसकी रिसर्फिसिंग करवानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, इसको रखते हैं साइड पे। इसकी ब्रेक पैड्स की कंडीशन भी देखते हैं, ये तो अभी है लाइफ इन में, नथिंग टू वरी अबाउट। इनको अभी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम खोलेंगे इसका रियर एक्सल। ये जो है ये 22 mm का है। अब टायर को ऐसे होल्ड करके इसको हिट करोगे तो खुल जाएगा यहाँ पे ना, ये देखो राइट, इजी एज दैट। और थोड़ा इसको हिट करोगे अगर इधर से, अभी ये टायर निकल चुका है अपना।
और लेट मी एग्जामिन इसकी भी आउटो रखी हुआ। ओके तो हमको इसकी भी रिसर्फिसिंग करवानी पड़ेगी, तो विच इज़ नॉट अ बिग डील। ब्रेक पैड्स चेक करते हैं इसके, ब्रेक पैड इसके ऑलमोस्ट उड़ने वाले हैं, तो अभी चल जाएंगे। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, कपल ऑफ मंथ्स अगो लाइक लास्ट ईयर की बात है, ब्रेक इसकी क्या है ना कभी कभी अड़ने लग जाती है, तो अभी उसका क्या सॉल्यूशन है, आपको ब्रेक पैड्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी गिव यू 101, मिनट इसके निकाल ही लेता हूँ ब्रेक पैड्स में। ओके लेट मी क्लीन इट अप। ओके तो अभी क्या हुआ था, कुछ महीने पहले लाइक लास्ट ईयर की बात है, 6-7 महीने पहले रियर ब्रेक की प्रॉब्लम आई थी। ये क्या था ना, जब इसको लगाते थे हम, ये एंगेज रह जाती थी, फंस जाती थी ये ना, लीवर यहीं पे अटक जाता था और द स्कूटर वॉन्ट मूव एट ऑल। ठीक है, तो अभी मैं घर पे था नहीं, तो ब्रदर ने जब मैकेनिक को दिखाया वो बोलता है कि ब्रेक पैड्स नए डालने पड़ेंगे, बट आप देख सकते हो ब्रेक पैड्स एक्चुअली फ्रंट के भी अच्छे हैं, अभी रियर के भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनको वापस कर दूंगा, इनकी ज़रूरत नहीं थी अभी, तो आई बॉट देम एज अ बैकअप। तो क्या होता है कि ये सरफेस है ना जो, ये वेयर आउट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके ऊपर एक हल्की सी मेटल की ना पत्ती लेकर वेल्ड कर दो, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। अभी देखो चल रहे हैं ब्रेक पैड्स अच्छे, अब उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आई है ऐसी कोई, ये देख सकते हो आप। मैंने क्या किया, ये गैस वेल्डिंग हो जाती है इनके ऊपर ना, बिकॉज ये क्या, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ब्रेक पैड्स। ये जो वायर होती है यहाँ पे लगती है, एंड दिस पोर्शन मूव्स, एंड व्हेन दिस मूव्स आपके जो पैड्स हैं दे मूव आउट, ये ऐसे लगे रहते हैं, तो ये सेंटर पीस में होता है, तो ये ऐसे खुलते हैं, तो क्या है ना ये जो पोर्शन है कभी कभी फंस जाता है इसमें अंदर, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे मूव करता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे दोनों पे मैंने क्या किया, एक हल्का सा मेटल का ना पीस लेकर, खाली 40-50 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन ब्रेक पैड्स आपके नए जैसे हो जाते हैं, तो नए डालने की ज़रूरत नहीं है, एवरी सिंगल टाइम योर ब्रेक पैड स्टार्ट टू वेयर आउट। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, अभी ब्रेक पैड्स डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, टायर्स हमने दोनों निकाल लिए हैं, गंदी हालत हो रखी है इनकी साइड वॉल्स की, तो अभी हम डालेंगे इनमें नए मिशेलिन के टायर्स, बट बिफोर दैट इनकी रिसर्फिसिंग करवानी पड़ेगी ड्रम्स की, तो लेट्स गो टू अ लेथ मैकेनिक। अपने टायर्स डल के आ चुके हैं अभी। अभी एक और चीज़ पता चली है, ये रियर 130 डाला है, तो ये प्रॉपर शेप में आ चुका है, आप देख सकते हो गजब दिख रहा है एकदम से, और ये 120 है फ्रंट। अभी क्या है, दोनों
साइज का डिफरेंस 10 mm है दोनों में, बट चौड़ाई काफ़ी, ये जो 130 है ना रियर, ये काफ़ी चौड़ा दिख रहा है इससे। एंड रीज़न बीइंग कि ये जो रिम की विड्थ है ना रियर की, वेयर इज इट, हाँ ये जो रियर रिम है ना ये 2.15 इंच चौड़ा है, और फ्रंट ऑन द अदर हैंड 1.85 mm चौड़ा है। तो क्या है कि ये रिम पतला होने की वजह से ना फ्रंट इसने टायर को घुट लिया, ये देख लो इट हैज टाइटेंड इट अप, तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ये देखो कंपैरिजन। चलो फिट करते हैं इनको, अभी रिसर्फिसिंग भी हो गई है अंदर से, देख सकते हो ही डिड अ नाइस जॉब दोनों की। अभी हम ब्रेक पैड्स डालने वाले हैं, तो जस्ट बिफोर यू इंस्टॉल देम मेक श्योर ये जो सरफेस है ना इसको पूरा अच्छे से ग्रीस कर दो, और ये पिन है ना जो ये वाली इसको भी है, बिकॉज ये मूवमेंट होती है यहाँ पे, फ्रिक्शन होती है तो कभी कभी ये अड़क जाता है। सो अब ये ग्रीस पड़ी है मेरे पास, 50 रुपये का डब्बा आ जाता है यार ये, 50-60 रुपये का, तो ले आओ। सो वी मेक श्योर ये दोनों साइड से इसको अच्छे से ग्रीस कर देना है अपने को, और ऊपर वाले को भी, एंड देन तो ब्रेक पैड्स इंस्टॉल हो चुके हैं रियर के, अभी हम चलते हैं फ्रंट टायर को डालते हैं पहले। सो ऑल ओवर हियर, तो आई डोंट थिंक शुड बी प्रॉब्लम, अभी ये इसमें भी मुझे थोड़ा ग्रीस लगाने का है। Sensor is fine. Okay, let's do it. अभी आपको ध्यान रखना है ये जो सेंसर है ना स्पीडोमीटर, ये जो खांचे बने हुए हैं ना, तो इसमें मेक श्योर दे अलाइन परफेक्टली। ये जो वॉशर है ये इस साइड जाएगी, एंड नाउ वी कैन इंसर्ट द एक्सल।
तो भाई लोग टायर अपना डल चुका है विदाउट एनी एफर्ट। जस्ट बता दूं कि कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो ये एग्जॉस्ट खोल रहे थे टायर को डालने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली आप टायर डालते, थोड़ा हिला विला के यहाँ से, थोड़ा एफर्ट लगेगा बट टायर डल जाएगा आपका यहाँ से। अब ये देख लो फ्रीली घूम रहा है, इसका मैं नट लेके आ रहा हूँ। पोर्शन दिखा नहीं पाया आपको थोड़ा, क्योंकि ना एक हाथ से इसको थोड़ा स्कूटरी को टेढ़ा करना पड़ता है टायर डालने के लिए, बिकॉज ये जो है ना बुश और ये एग्जॉस्ट के बीच में थोड़ा डिफरेंस कम है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट डल जाएगा टायर, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया है, वाओ लुक तो अच्छी आ रही है। और मैंने चेक किया है कहीं भी लग वेग नहीं रहा है, साइड पे अभी क्लियरेंस बहुत है इसके। अभी आपको मैं दिखाता हूँ जरा, ये आप देख सकते हो बहुत क्लियरेंस है अभी, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हो, देखो मेरी उंगली जा रही है आराम से, अभी फ्रंट भी आपको दिखा देता हूँ मैं। फ्रंट अभी इतना चौड़ा नहीं दिख रहा है बिकॉज आपको बताया मैंने रिम थोड़ा पतला है फ्रंट का, जो TVS जुपिटर डाल के देती है, बट रियर एकदम बिंदास दिख रही है। ओके तो फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ इधर टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, तो आपको बता दूं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे फील हुआ है, मैनूवरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है स्कूटर की। जो कॉर्नरिंग है ना और हैंडल की वाइब्रेशन है जो, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है अभी। पहले थोड़ी वाइब्रेशन हो रहा था, अभी वो ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो बम्प्स होते हैं ना सड़क पे, वो बिल्कुल नहीं अभी फील हो रहे। पहले एक एक जो बम्प था वो फील होता था, पॉट होल्स छोटे मोटे जो सड़क पे होते थे, तो अभी वो फील होना बंद हो गया है। और स्कूटर का हाइट भी थोड़ा सा बढ़ गया है, प्रोबेबली 10 mm अगर हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करें, और फील भी हो रहा है सड़क पे जब हम पैर लगाते हैं, तो थोड़ी हाइट बढ़ गई है। और बाकी बता दूं माइलेज पे कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज़ का। कुछ भाई लोग को क्या है ना डिल्यूजन रहता है कि मोटे टायर डाल के माइलेज कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्रेक्स भी बहुत इंप्रूव हो गई हैं, अभी पहले क्या था टायर स्लिप हो जा रहे थे, अभी स्लिप नहीं हो रहा। अभी आपको लगा के दिखा रहा हूँ, मैं सिंगल हैंड ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, फ्रंट ब्रेक लगाने वाला हूँ मैं एकदम। और ये देखो बिल्कुल बिना स्लिप हुए रुक रही है, तो रिसर्फिसिंग ड्रम्स की करवाने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थोड़ी एक्सेलरेशन भी इम्प्रूव हो गई है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है पहले से। तो फ्रेंड्स अभी मैं ट्राई लेके आया हूँ इसकी, तो सबसे बड़ा जो मुझे प्लस पॉइंट लगा ना, जिसकी जो शॉक एब्जॉर्प्शन है ना वो बहुत इंक्रीज हो गई है। पहले जो माइनर जिससे बम्प्स होते थे ना वो अच्छे से फील होते थे, अब वो काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नेगेटिव पॉइंट इसका ये है, टायर है ना जो फ्रंट का वो प्रॉपर 120 दिख नहीं रहा इसका। रीज़न बीइंग कि इन्होंने TVS वालों ने रिम जो फ्रंट का है ना वो पतला दिया है एज़ कम्पेरेटिव टू रियर। अभी देख सकते हो फ्रंट भी खैर दिख रहा है अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। और माइलेज का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मैंने चेक किया अभी। कुछ भाई लोग को रहता है कि माइलेज कम हो जाएगी मोटे टायर डाल के, ऐसा कुछ नहीं है। और मैनोरेबिलिटी भी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, और पीछे से तो लुक ही चेंज हो गई स्कूटर की। ये देखो ये जो 130 है ना रियर, ये प्रॉपर शेप में आ गया अपनी, अभी देख सकते हो आप। और टचिंग वचिंग कहीं नहीं हो रही है, मैंने पूरा दौड़ाया अभी स्कूटरी को, पूरा 80-90 की स्पीड तक लेके गया हूँ। ब्रेक्स भी बहुत इंप्रूव हो गई हैं अपनी ड्रम की रिसर्फिसिंग करवाने के बाद। अभी लुक तो चेंज हो गई है स्कूटर की, थोड़ी हैंडलिंग भी बहुत इंप्रूव हो गई है, जो कॉर्नरिंग स्टाइल होता है ना। ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब। Alright, so thank you for watching this video, folks.
गुड बाय।